वेलकम बैक टू माई चैनल ऐसे 319 व्लॉग। सो गाइस, ये मेरा सेकंड व्लॉग है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी टाइम से मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं की है, तो आज मैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ये एक व्लॉग होने वाला है। हमारा एक फार्म हाउस है तो उसी पर हम विजिट करने जाने वाले हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम से हम विजिट करने गए भी नहीं थे, तो इसी वजह से आज हम जाने वाले हैं। क्योंकि आज मेरा जो छोटा भाई है उसका बर्थडे है, तो घर पे रह के वो काफ़ी बोर हो गए थे हम सभी लोग, तो हमने सोचा क्यों ना फार्म हाउस से विजिट ही कर लिया जाए। तो आज हम वहाँ पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसी का व्लॉग मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी और थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन जो है उसे भी आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी हम घर से निकल रहे हैं, तो मैंने घर से निकलते वक्त सीधा हमारे घर के ड्राॅइंग रूम से ही वीडियो को शूट किया था। चलिए चलते हैं फार्म हाउस की तरफ। यही है वो जगह जहाँ पे मैं आपको विजिट कराने वाली थी, लेकिन बारिश यहाँ पे हो रही है तो पूरी मेहनत पे पानी फिर चुका है। व्लॉग हमारा शूट नहीं हो पाया है। जो मेन जगह है मैं उसे नहीं दिखा पाई हूँ बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। आप देख भी सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है यहाँ के। यहाँ पर फार्म हाउस के जस्ट बाहर का ये सीन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ज़्यादा लोग तो रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो गया है। इस फार्म हाउस के करीबन 50 मीटर दूरी पर ही NH-24 पड़ता है। सामने आपको कुछ गाड़ियाँ भी चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। वो NH-24 है, यहाँ से करीबन 50 मीटर दूर पड़ता है। और ये जो फार्म हाउस वाली जगह है ये दिखने में काफ़ी छोटी आपको लग रही होगी, लेकिन 2200 गज में ये फैली हुई है। जो सामने वाली बिल्डिंग आपको वाइट बिल्डिंग दिख रही है वहाँ से लेकर और जहाँ से मैं शूट कर रही हूँ खड़े होकर, ये पूरी एक ही जगह है। और ये इसी के जस्ट साइड में जो मैंने गांव आपको पहले दिखाया था वही ये गांव है। ये और ये गांव NH-24 के काफ़ी करीब पड़ता है। अभी करीब दोपहर के 2 बज रहे होंगे और फिर से तेज़ बारिश होना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन और बारिश की वजह से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और NH-24 का व्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना पास जो है NH-24 पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी नेचुरलिटी है। देखिए आप यहाँ पे
कितने आपको पेड़ पौधे ग्रीन जो है हरियाली आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं और आपको नेचुरल एयर और फ्रेश एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद है तो आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। और यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, आप प्लॉटिंग वगैरह में अपने पैसे को एक सेविंग के रूप में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जल्दी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे रेट्स जो है प्लॉट्स वगैरह के इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपको लेके चलती हूँ बर्थडे पार्टी में, जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। जाने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो को लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है।